कुछ साल पहले मेरी अपनी वाइफ सारा से लव मैरिज हुई थी। सारा एक वेल सेटल्ड रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और मैं एक मिडिल क्लास नॉर्मल सैलरी पे काम करने वाला इंसान था। शादी के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार मांद पड़ने लगा और हम दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सब झगड़ों की असल वजह यही थी कि मैं उसके हाई फाई खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैं हमेशा उसे यही कहता था कि शादी से पहले तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, मेरे हालात का तुम्हें अच्छे से पता था, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। घर की नोकझोंक की वजह से मैं ऑफिस में भी सही से काम नहीं कर पाता था। हमेशा उसकी जली कटी बातें मेरे जहन में घूमती रहती थी। मैं अपने वर्क टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा बॉस मुझे हर वक्त डांटता रहता था। गलती मेरी थी क्योंकि मैं काम सही से नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं हर बार चुपचाप उसकी डांट बर्दाश्त करता रहता था। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। घर में बीवी की जली कटी बातें और ऑफिस में बॉस की डांट, मैं इन दोनों में पिस कर रह गया था। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तभी मेरे बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उसने मुझे एक और टास्क दे दिया और कहा, आज ये काम खत्म करने के बाद ही घर जाना। कंपनी में मेरी पोजीशन पहले ही बहुत वीक जा रही थी, इसलिए उसकी बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, मैं ये काम करके ही जाऊंगा। मेरा ऑफिस यूजुअली 8 बजे बंद हो जाता है, लेकिन उस वक्त तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मैं काम करता रहा और काम ख़त्म करते मुझे 11 बज गए। देन मैं घर के लिए निकल पड़ा। घर जाते हुए रास्ते में अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैं उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला। वो बहुत ही सुनसान सी जगह थी और दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। वो देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। उसकी स्किन रेड कलर की थी। यूँ लग रहा था जैसे उसने पूरी बॉडी पे रेड पेंट कर रखा हो। उसने मुझे कहा, मेरे पास तुम्हारी तमाम प्रॉब्लम्स का हल है। मैंने उसकी बात को बहुत लाइट ले लिया और कहा, अच्छा तो बताओ, तुम मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हो? उसने मुझे एक पेपर दिया और कहा, इससे तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैंने उस कागज़ को पकड़ा और देखा, उसमें 3 अजीब से स्केच बने हुए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इनका क्या मतलब है और ये मेरी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ध्यान उसी ड्राइंग में था और जैसे ही मैंने नज़रें उठा के सामने देखा तो वो आदमी वहाँ से जा चुका था। मैंने सोचा, अजीब आदमी है, बिना बताए ही चला गया। मैंने वो ड्राइंग अपने पास रख ली और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट हो गई। मैं रिलैक्स हो गया कि थैंक गॉड ये स्टार्ट तो हुई, और मैं घर की तरफ निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मैं उसी ड्राइंग को देख रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये स्केच क्यों बनाए गए हैं और इनका क्या मतलब है। मैंने उसे डिकोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। इसलिए मैंने उसे पास वाली टेबल पर रख दिया और सोने के लिए लेट गया। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। मैं लेटे हुए उसी स्केच और आदमी के बारे में सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा उन्हीं स्केचेस को देखने लगा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन न जाने क्यों कोई अजीब सी कशिश थी उनमें।
मैं कंटिन्यूसली उस कागज़ को देखता जा रहा था और कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। सूरज निकल आया था। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था और मैं सारी रात का जागा हुआ था। वो कागज़ अभी भी मेरे हाथ में था और मैंने उन स्केचेस को देखकर कहा कि काश दोबारा रात हो जाए ताकि मैं ठीक से सो सकूं। तो उसी वक्त दोबारा रात हो गई। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। पता नहीं ये सपना था कि हकीकत। सच में रात हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा, क्या तुमने देखा कि अभी सूरज निकलने के बाद दोबारा फिर से रात हो गई। उसने कहा, तुमने पी रखी है क्या? रात के वक्त रात नहीं होगी तो और क्या होगा, मुझे सोने दो। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैं टेबल के पास गया और दोबारा उस पेपर को उठाया। मैं देख के दंग रह गया कि उस पेपर में से एक स्केच गायब हो चुका था। अब मैं समझ गया था कि ये पेपर मेरी विशेस पूरी कर रहा है और अभी भी मेरे पास दो विशेस बाकी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी इसलिए मैंने उस पेपर को अपनी अलमारी में रख दिया और सोने के लिए लेट गया। नेक्स्ट डे मैंने उस पेपर को अलमारी से निकाला और फिर से उसको देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या विश करूं। मैंने उस पेपर को देख के कहा कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, मेरी अलमारी हमेशा पैसों से भरी रहे, मैं वो पैसे खर्च भी कर दूं तो लौटकर मेरे पास ही वापस आ जाएं। देखते ही देखते उस कागज़ से एक और स्केच गायब हो गया। मैंने अलमारी में देखा तो पैसों के बंडल से भरी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं जो चाहूँ इन पैसों से वो कर सकता था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं पैसे खर्च भी देता था तो वापस मेरे ही पास आ जाते थे। मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने सोचा कि जॉब छोड़ दूंगा तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए मैं ऑफिस जाता रहा। एक शाम मुझे अपने दोस्त के घर जाना था और मेरी बीवी को शॉपिंग पे। वो मुझसे लड़ रही थी। उसने मुझसे कहा कि एक गाड़ी मेरे डैड की दी हुई है इसलिए ये मैं लेकर जाऊंगी, और वो गाड़ी लेकर चली गई। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने अलमारी से वही पेपर निकाला और उसे देखने लगा और उसे देखते देखते मेरे मुंह से निकल गया, काश ऐसी बदतमीज़ बीवी से मेरी जान छूट जाए। तभी अचानक उस पेपर से वो लास्ट स्केच भी गायब हो गया। देन मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके साथ अब क्या होगा? शॉप से निकलते हुए सारा का एक्सीडेंट हो गया। वो मर गई। अपनी बीवी की डेथ की न्यूज़ ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया। मैं सदमे से बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। वो जगह बहुत ज्यादा खौफनाक थी। क्यों लग रहा था जैसे वो जगह किसी को सजा देने या टॉर्चर करने के लिए बनाई गई हो। तभी अचानक वही आदमी मेरे सामने आया और उसने मुझे कहा, हम शैतान हैं और हम शैतान कभी किसी की मदद नहीं करते, हम सौदा करते हैं, इंसान की रूह का सौदा। मैंने तुम्हारी विशेस पूरी की और अब बदले में तुम मेरी दुनिया में रहोगे मेरे गुलाम बनकर।